सो हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। लेकर आया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आपको हर की पौड़ी हरिद्वार के ताज़ा दर्शन आपको कराने वाला हूँ। सामने आप पहाड़ी पर देख सकते हैं माँ मनसा देवी का टेंपल। और इस टाइम जो है नवरात्र भी चल रहे हैं दोस्तों, और आज गांधी जयंती भी है, दिन है संडे का। और इस टाइम मॉर्निंग के बज रहे हैं 11, तो नवरात्रि में कितनी संख्या में जो है श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुँच रहे हैं यह आज की वीडियो में हम जानेंगे। और गंगा जी में जो वाटर लेवल है वो कितना चल रहा है इस टाइम, वो भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। नवरात्रों का इस टाइम जो है सातवां दिन चल रहा है दोस्तों, और आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हैं नवरात्रों के समय में भी काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में। और सामने आप देख सकते हैं गंगा जी में जो है वाटर लेवल जो है काफ़ी कम किया हुआ है इस टाइम पर। सो गाइस, इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ हर की पौड़ी का मुख्य द्वार। इसी द्वार से हम ब्रह्मकुंड के लिए जाते हैं। सो गाइस, पहुँच चुका हूँ मैं इस टाइम ब्रह्मकुंड घाट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं नवरात्रों के समय में। और गंगा जी का जो वाटर लेवल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कम किया हुआ है यहाँ पर नवरात्रों के समय में। सो गाइज, आप सामने आप देख सकते हैं भागीरथी सेतु, और यहाँ पर भी जो है काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। सो गाइस, इस टाइम मैं आपको ब्रह्मकुंड घाट का ताज़ा दर्शन करवा रहा हूँ हर की पौड़ी हरिद्वार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु स्नान करते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम किया हुआ है यहाँ पर। और आने वाले विजयदशमी को जो है दशहरे के दिन इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। गंगा जी की यहाँ पर साफ़ सफाई करी जाती है हर की पौड़ी हरिद्वार पर, और फिर इसको दिवाली के दिन खोला जाता है। तो आने वाले समय में वो वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, इस टाइम पहुंच चुका हूं महिला घाट पर। यहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु स्नान करते हुए। दिन है संडे का, 2 अक्टूबर का आज दिन है, और गांधी जयंती भी आज है, और जो है नवरात्रि भी चल रहे हैं इस टाइम। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में। सो दोस्तों, इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ गंगा मंदिर के सामने वाले पुल पर। और यहाँ से आपको गंगा जी के जो है हर की पौड़ी हरिद्वार के ताज़ा दर्शन आपको मैं करवा रहा हूँ। गंगा जी की यहाँ पर निर्मल जल धारा को आप बहता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। सो गाइस, इस टाइम पहुंच चुका हूं मैं संजय पुल पर। और यहां से आप देख सकते हैं भगवान शिव की 108 फीट मूर्ति, और गंगा नदी के बीचों बीच इस टाइम आप देख सकते हैं गंगा मूर्ति को। दोस्तों, सुंदर नज़ारा यह संजय पुल से मैं आपको दिखा रहा हूं।
सो दोस्तों सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं संजय पुल से। और जो है आज संडे का आज दिन है, 2 अक्टूबर का आज दिन है और नवरात्रे भी इस टाइम चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में। और आज हरिद्वार के मौसम की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो हरिद्वार का मौसम आज जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप खिली हुई है हरिद्वार में आज। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि हर की पौड़ी हरिद्वार में कितनी संख्या में जो है श्रद्धालु नवरात्रों के समय में पहुंच रहे हैं और गंगा जी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम किया हुआ है इस टाइम नवरात्रों के समय में। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के हर हर गंगे हर हर महादेव जय उत्तराखंड।